घबराहट हो रही है। आप चाहे राणा जी और हमें लेकर जो भी योजना बनाए, किंतु हम तो उनसे आंखें तक नहीं मिला पाते। फिर पूरी रात उनके साथ बिताने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जीजा चलने दीजिए ना, जैसा चल रहा है। राणा जी की चिंता आप हम पर छोड़ दीजिए, हम बात कर लेंगे उनसे। आप बस दोनों इस सुंदर सजीले शयन कक्ष में निश्चिंत होकर साथ में समय बिता सकते हैं। हमने विशेष रूप से आप दोनों के लिए कितने मन से ये सजाया है, जो आपका अधिकार है। समझ गई हूँ, अब हम चलते हैं। भाग्यशाली है जीजा, जो हमें हमारे विवाह का आशीर्वाद दिलवाने के लिए आप इस सीमा तक चली गई। अरे वाह बाजीराज, नई तलवार, अरे वाह नई ढाल, दिखाए तो हमें। मतलब इतनी असंवेदनशीलता, और वो भी हमारे साथ। छोटी माँ ने बोल कह दिया कि जाओ अपने कक्ष में जाकर साथ सजा देख लो, थोड़ा विश्राम कर लो, तो बस हमें छोड़कर चली गई तुरंत। वो भी मतलब हम कुछ नहीं, पहले तो हम उनके मित्र हैं ना। वो बाजीराज पहले आप मित्र थे, अब आप उनके पति हो गए ना। पति हो गए तो क्या हो? अब हम मित्र नहीं रहे क्या? अब हम उन्हें अपनी इच्छा अनुसार कुछ दिखा नहीं सकते? पहले तो ऐसे नहीं थे वे, पहले तो हमें सर्वाधिक महत्व देती थी वे। और ऐसी क्या थक गई थी जो हमें छोड़कर विश्राम करने चली गई? क्या कोई बाहर चिड़क रही थी वे? वो बाजीराज विवाह के बाद ऐसे ही होते हैं। अब देखिए हमारे सौभाग्यवती के बीच क्या हो रहा है, कितनी कठिनाई से मिलते हैं हम दोनों। बाजीराज अब तो वो आपको अजब्दे से भी नहीं मिलने देगी, सोने पे सुहागा है हमारी पत्नी। तो फिर आपको अभी कुछ करना होगा हमारे लिए। चक्रपाणि हम चाहते हैं कि हम अजब्दे से मिलकर उन्हें ये भली भांति बता दें कि जैसे हम विवाह से पहले थे, वैसे विवाह के बाद भी वही कुंवर प्रताप है। आप हमारी अजब्दे के साथ बहुत जल्दी भेंट करवाइए, लगता है हमें उन्हें अच्छे से बताना पड़ेगा। ठीक है बाजीराज, हम ये कर देंगे, कृपया करके तलवार हटाइए यहाँ से। क्या हुआ जब्दे, क्या आपको अच्छी नहीं लगी इस कक्ष की साज सज्जा? नहीं सौभाग्यवती, ऐसा कुछ नहीं है, कितनी भव्य साज सज्जा है, कितने प्रेम से सजाया रानी माँ ने हमारे लिए। इससे पता चलता है कि रानी माँ हमसे कितना स्नेह करती है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा है उन्होंने। देखिए ये फूल, ये ग्रंथ, ये पर्दे, ये चादर, सब हमारी रुचि अनुसार है, सब। वो हमारे पति, इसे कर्मों का फल मानता है। आपने सदा सबका भला किया, अच्छा किया, ईश्वर भी तो देखते हैं ना ये सब कुछ। एक क्षण सौभाग्यवती, ये कैसा स्वर था, ये क्या था? कुछ भी तो नहीं, तो आप क्या कह रही थी? सौभाग्यवती आपके पति चक्रपाणि मिश्रा आपके लिए संकेत भेज रहे हैं। नहीं 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 तो सौभाग्यवती आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको चक्रपाणि जैसा पति मिला, हमारे कुंवर प्रताप जैसा नहीं। लेकिन कुंवर प्रताप को तो छोटी रानी सा ने कहा था ना कि अपने कक्ष में चले जाएं। कुंवर प्रताप रहने दीजिए, बड़े आज्ञाकारी हैं। आपने सुना था ना रानी माँ ने क्या कहा था, किसी के नियंत्रण में नहीं आते हैं वो, और जब हमसे मिलने की बात आती है तो उनके पास नियंत्रण आ जाते हैं। बड़े आज्ञाकारी हैं। कोई बात नहीं, आप छोड़िए सौभाग्यवती, आप जाइए। आप यहाँ
क्या बोलना है? हमें वापस जाना है जब्दी के पास। बोलिए। बोले क्या? कुछ है ही नहीं बोली योगी अभिषेक। तो फिर बुलाया क्यों था हमें? ठीक है, चले जाए वापस। अच्छा ठीक है, हम ही रुक जाते हैं थोड़ी देर। बुलाया तो रोकना चाहिए ना, कुछ भी नहीं समझते हैं आप यहाँ क्यों आए? नहीं आना चाहिए था आपको यहाँ। सुनिए, कुंवर प्रताप नाम है हमारा, कुंवर प्रताप, और आज तक हमें कोई भी कहीं भी जाने से रोक नहीं पाया, और फिर ये हमारा महल और आप हमारी मित्र पत्नी। हाँ हाँ वही 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 वही। क्या सब लोगों ने कितना कुछ किया है कुंवर प्रताप हमें पति पत्नी बनाने के, पंडितों ने कितने संस्कार किए हमें पति पत्नी बनाने के, और आप है कि कभी मित्र तो कभी वही वही। अब हाँ बोल दिया पत्नी, अब तो लड़ा बंद कीजिए। पहले तो नहीं बोलते थे आप ऐसे ही? तो पहले आप भी जब हम आपसे मिलने आते थे तो ना 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 नहीं करती थी। तो पहले छोटी माँ हमें नहीं कहती थी कि जाके अपने कक्ष में विश्राम कर, अब जब उन्होंने कहा है तो हमें करना पड़ेगा ना कोई पिता, क्या करें हम? अच्छा अच्छा, जैसे आप तो सदा जैसा जैसा कहा जाता है वैसा वैसा करने में ही अभ्यस्त रही है। हाँ, हम सदा वही कहते हैं जो हमें कहा जाता है, और आप है जो किसी के नियंत्रण में नहीं आते, किसी की बात नहीं सुनते, और जब हमसे मिलने वाली बात आती है तो आप बड़े आज्ञाकारी बन जाते हैं, तो हमें क्रोध नहीं आएगा? आज्ञाकारी हम बने थे या आप? आप, फिर भी हम यहाँ आए हैं आपसे मिलने के लिए। उत्तर दीजिए हमें, क्यों आए हम यहाँ पर? नहीं है ना आपके पास कोई उत्तर? हम बताते हैं, आप चाहती है कि हम आपसे मिले, जो हमें कहा गया उसे ना मानकर मिले, यही चाहते हैं ना? नहीं, हमने कब कहा ऐसा? अजब दे, हमने आपको कितनी बार समझाया कि आप झूठ बोलने का प्रयास मत कीजिए, आपको नहीं आता झूठ बोलना। अच्छा चलिए, आपकी जीत और हमारी प्रसन्न। नहीं, संभवतः आप ये बात मुस्कुरा कर भी कह सकती। हमारी जीत और आपकी हार। नहीं, आपकी जीत और हमारी हार। चलिए हम आपको हमारी नई तलवार और ढाल दिखाते। नहीं, उधर जाएंगे तो कोई देख लेगा हमें। आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना आपके साथ। चलिए, अब हमें इस खिड़की से कूद कर जाना होगा हमारी प्रेमित। प्रेमित? वही वही। पत्नी? हाँ पत्नी। चलिए। वो हमारे सुहाग का कड़ा कहाँ गया? राणा जी के कक्ष में भेजने से पहले पहनाना चाहते थे हम वीर भाई जी को, ढूंढे उसे तुरंत। पहले से इतनी देर हो चुकी है पर से ये कड़ा नहीं मिल रहा है, कहाँ गया? मिल गया, बहुत शुभ कड़ा है ये, इसे पहना कर वीर भाई जी को राणा जी के पास भेजना अच्छा रहेगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके आने की घोषणा भी नहीं हुई। घोषणा हमने जानबूझकर रुकवा दी थी जवेंता भाई जी, क्योंकि यदि हम अपने आने की घोषणा करवाते तो फिर आप कोई बहाना करके इस कक्ष से चली जाती। और आज हम आपका कोई बहाना नहीं सुनेंगे जवेंता भाई जी, इसलिए आपको बताना होगा कि महल में सब कुछ चल क्या रहा है। आप विवश कर रहे हैं तो बता ही देते हैं, हम वो शुभ कार्य करने जा रहे हैं जिसे हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था। कौन सा शुभ कार्य? वीर भाई जी को उनका अधिकार दे दीजिए राणा जी। ये जीजा पता नहीं कहाँ चली गई है, आई नहीं अभी तक। वीर भाई जी की बहुत चिंता है आपको, और हम अब इतनी भी भोली मत बनिए जवंता भाई जी। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हम क्या कह रहे हैं।
और क्यों कह रहे हैं? आप किसी की प्रतीक्षा कर रही थी? जी, हम जीजा की प्रतीक्षा कर रहे थे। जीजा की प्रतीक्षा कर रही थी या फिर राणा जी के पास जाने की? समझ सकते हैं, आपका निजी मामला है। वैसे जीजा अपने कक्ष में। सूचना देने के लिए धन्यवाद जीजा। समझती क्या है? कोई बेजान वस्तु बिना भावनाओं की, बिना संवेदनाओं की कोई मूरत, जिसकी रातों का आप जब चाहे जैसा निर्णय ले लें। राणा जी, हम तो क्या जवंत भाई जी, अगर आप निर्णय लेंगे कि हमें अपनी रात वीर भाई के साथ आज बितानी है, तो आप चाहती हैं कि हम चुपचाप ये निर्णय स्वीकार कर लें। माना कि हम मेवाड़ के राणा, परिस्थितियों वश बहुत विवाह किए हैं हमने, किंतु क्या कभी आपने ये जानने का प्रयास किया है कि हम क्या चाहते हैं? जयवंत भाई जी, दूसरों के पत्नी धर्म की तो आपको बहुत चिंता है, किंतु आपका पत्नी धर्म, उसका क्या? और आपका पत्नी धर्म आपसे ये कहता है कि आप हमें प्रसन्न करें। आप क्या कह रहे हैं? हमें समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो आप हमारे मुंह से सब कुछ साफ साफ सुनना चाहते हैं? विवाह तो हमने कई किए, लेकिन आज भी हमारे मन पर केवल आप ही का साम्राज्य चलता है। जब ईश्वर ने स्वयं हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, फिर आप क्यों कर्तव्य की आड़ में इच्छा से भागना चाहती हैं? राणा जी, हम आज हमारे जीवन में प्रसन्नता का बहुत बड़ा क्षण आया है जयवंत भाई जी, और इस प्रसन्नता के क्षण में हम अपने साथ तीसरे किसी और को नहीं सोच सकते, केवल आप और हम। और आप हमें विवश मत कीजिएगा, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मन ही मन आप भी यही चाहते हैं। आप कुछ समय के लिए अपना धर्म भूल क्यों नहीं जाते? एक ही शब्द सत्य है, अमृत है हमारे लिए, किंतु एक मेवाड़ की महारानी अपने से छोटी रानी के साथ अन्याय नहीं कर सकती। क्षमा कीजिए, हम जीजा से मिलने आए थे। जयवंत भाई जी नहीं है यहाँ पर। कहाँ होंगे बता सकते? इस महल में कुछ प्रश्नों के उत्तर या तो ईश्वर जानता है या फिर दासियां। किसी भी दासी से पूछ लीजिए कहाँ गई है, वो पता चल जाएगा। अजब दे, आप देखना चाहेंगे इन्हें हाथ पर लेकर? नहीं नहीं कुंवर पिता, हमारा दुस्साहस जो हम आपकी ढाल और तलवार उठाए, यदि राणा जी ने देख लिया ना, तो वे हमें अवश्य अवश्य मित्र दंड देंगे। अजब दे, क्या आपको सचमुच ऐसा लगता है कि हमारी तलवार उठाने के अपराध में आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा? हो सकता है ना मिले, तो संभावना तो है ना कुंवर पिता।
आप अचानक इतने गंभीर क्यों हो गए? हमने कुछ गलत कह दिया क्या? यदि हम कुछ अनुचित करेंगे तो हमें दंड तो मिलेगा ही ना कुंवर पिता? बात हमारे ध्यान से सुन लीजिए जब। आपके पारिवारिक परिवेश को लेकर कई लोगों ने कई बातें की आपसे, जिसके चलते ही आपके भी मन अपनी स्थिति को लेकर कई संदेह बन चुके होंगे। आज हम आपके उन सभी संदेहों को पूरी तरह से निकाल देना चाहते हैं जो आपको यहाँ इस महल में सबसे छोटा मानने के लिए विवश कर रहा है, क्योंकि हमारे परिवार ने आपको सदा अपने समान माना है सबसे, और ये बस अभी नहीं, विवाह के पहले भी ऐसा ही था। बल्कि आपने तो कई बार जो अपने चारित्रिक दृढ़ता दिखाई है वो हम लोगों से भी कई उच्च कोटि की दिया सबसे, और ये केवल हम नहीं कह रहे, ऐसा सब कहते हैं, बल्कि विशेष रूप से ताजी राज रानी माँ भी यही कहते हैं। आप किसी भी छोटी बात को लेकर अनावश्यक चिंता ना करें और ना ही कठोर प्रतिक्रिया की कल्पना करें। इसलिए अजते हमारी पूरी विनम्रता के साथ आपसे एक निवेदन कि आप यहाँ इस महल में पूरी स्वतंत्रता अनुभव करें। यहाँ इस परिवार का प्रेम आपकी वैसी ही रक्षा करेगा जबते जैसे आप वहां बिजोलिया में राव मामरा जी और हंसा मासी जी से अपेक्षा रखती थी। अब इस सब के उपरांत भी आपने अपने मन में संदेह पाले तो हमें सचमुच बहुत बुरा लगेगा। ये लीजिए, हो गया भरोसा। हम समझ गए थे आप क्या कहना चाहते हैं। अभी इसे सिद्ध करने के लिए हमें कुछ और भी करना पड़ेगा कुंवर पिता। नहीं नहीं अजते, हम मान गए। क्या कहा आपने? और पता नहीं बोल से कुंवर प्रताप और अजय देव का विवाह इच्छा अनुसार कुशलता पूर्वक संपन्न हुआ है। बहुत प्रसन्न है। अब एक ही कार्य रह गया है, इस राज्य के जितने भी निर्धन हैं, उनमें भिक्षा बांटी जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। खमा गणी अन्नदाता। गणी खम्मा। बहुत बुरा समाचार है। क्या हुआ है? महमूद शाह की विशाल सेना बिजुलिया की सीमा तक पहुंच चुकी है। हुकुम